लंबी कानूनी उलझनों के बाद अनामिका राय आज नियुक्ति पत्र लेने के लिए मध्य शिक्षा बोर्ड के कार्यालय में उपस्थित हुई। न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने भ्रष्टाचार के आरोप में मंत्री परेश अधिकारी की बेटी अंकिता अधिकारी को बर्खास्त करने का आदेश दिया था। अंकिता अधिकारी की जगह बबीता राय को वह नौकरी मिली है। इस घटना से पूरे राज्य में भारी हंगामा हुआ, लेकिन फिर अनामिका राय ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और दावा किया कि बबीता की नियुक्ति में प्रक्रियात्मक त्रुटियां थी। अनामिका राय ने दावा किया कि उन्हें बबीता से 2 अंक ज्यादा मिले हैं, इसलिए बबीता नहीं बल्कि वह नौकरी पाने के योग्य है। इसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने बबीता की नौकरी रद्द कर अनामिका को नौकरी पर नियुक्त करने का आदेश दिया। साथ ही कलकत्ता हाई कोर्ट ने बबीता को 6 महीने की सैलरी के साथ मिले पैसे भी लौटाने का आदेश दिया। आज अनामिका राय मध्य शिक्षा मंडल के कार्यालय में नियुक्ति पत्र लेने पहुंची। उन्होंने कहा कि पढ़ाना ही उनका एकमात्र इच्छा थी, इसलिए ये नौकरी पाकर उनका सपना पूरा हो गया। पचास हजार लोगों को अपनी मंजिल से है जोड़ा और नई उत्साह के साथ आए हैं फिर से थामने आपका हाथ श्री शांति होंडा।